सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबू सुल्तान और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी दिस इज वाई G7 नीड्स इंडिया बाइडेन्स वायरल वीडियो। आइए मिलके देखते हैं जी स्टडी IQ का ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ G7 समिट जो इटली में आज के समय हो रहा है, पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। वर्ल्ड मीडिया इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश कर रहा है क्योंकि इस समिट में बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई और बहुत सारी खराब बातें भी सामने आई है। रशिया तो बिल्कुल आप कह लीजिए कड़ी निंदा कर रहा है इस समिट में लिए गए निर्णय की। पुतिन बहुत ज़रा गुस्सा है, कह रहे हैं कि G7 कंट्रीज चोरी कर रहे हैं। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये 50वां G7 समिट, जी हाँ ये 50वां G7 समिट है। और इस बार के समिट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। इंडिया को एज ए स्पेशल गेस्ट यहाँ पे इन्वाइट किया गया, इवन दो इंडिया आज तक G7 का मेंबर बना नहीं है। पिछले कई सालों से आप देखोगे लगातार इंडिया को एज ए स्पेशल गेस्ट इन्वाइट किया जाता है और इस तरीके से PM मोदी का वेलकम किया गया G7 समिट में। नाउ इस वीडियो में आप बात नोट करोगे, PM मोदी का वेलकम होता है इटली में विद अ नमस्ते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर है तो इसलिए यहाँ पर नमस्ते यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इससे पहले कई वर्ल्ड लीडर जो इटली में आए उनका वेलकम भी नमस्ते से ही किया गया था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए नमस्ते एक ज्यादा इंटरनेशनलाइज्ड फॉर्म हो चुकी है ग्रीटिंग की। नाउ आप में से कई लोग कहेंगे अच्छा ये वीडियो तो मोस्ट वॉच्ड वीडियो हो गई होगी ऑनलाइन इंटरनेट पे, सब लोग यही देख रहे होंगे। वेल एक्चुअली नहीं, मोस्ट वॉच्ड वीडियो का टाइटल ले गए जो बाइडन। जब यह समिट स्टार्ट हो रहा था तब इटली ने एक प्रोग्राम रखा कि जो इनके पैराट्रूपर्स हैं इटली के पैराट्रूपर्स वो लोग एक छोटा सा शो करेंगे, बाकी वर्ल्ड लीडर्स को दिखाएंगे अपनी स्किल्स। नाउ जब यह सब हो रहा था जो बाइडन कहीं और ही देख रहे थे, बाकी सब वर्ल्ड लीडर्स आप देखोगे पैराट्रूपर्स को देख रहे हैं, जो बाइडन बिल्कुल अलग ही कहीं और ही देख रहे हैं। फिर बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने देखा कि जो बाइडन को क्या हुआ और फिर सब लोग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं कि बाइडन के आसपास खड़े हो जाओ और एक्टिंग करो कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ यहाँ पे अजीब सा नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख पाओगे पहले जॉर्जिया मेलोनी खुद गाइड करेंगी जो बाइडन को कि आप कहाँ जा रहे हैं और उसके बाद बाकी जो सब वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी इस तरीके से आसपास खड़े हो जाएंगे जो बाइडन के। ये देखकर सबसे ज्यादा कंसर्न है अमेरिकन्स कि ये आदमी आज के समय दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री को लीड कर रहा है और काफी बार लगता है कि इसे खुद पता नहीं है कि ये कहाँ खड़े हैं। और अगर आप सोच रहे हैं इस बार के G7 समिट की ये सबसे ज्यादा नेगेटिव बात रही होगी, इस पर लोगों ने काफी आलोचना करी होगी, तो नहीं, हमने अभी तक शुरुआत भी नहीं करी है। सबसे ज्यादा नेगेटिव बात तो मैं ये कहूंगा कि सऊदी अरेबिया को इन्वाइट भेजा गया G7 समिट का, इन्होंने इनविटेशन को आप कह लीजिए एक्नॉलेज करने के बाद रिजेक्ट कर दिया इनविटेशन और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये नहीं गए इटली में। नाउ इसके कई रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है रशिया बहुत ज़्यादा गुस्सा है G7 समिट को लेकर। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर आपसे सवाल ही पूछूंगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा रशिया के साथ हुआ क्या है। उसके बाद ये बताना कॉमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से क्या इंडिया को भी इस समिट से दूर रहना चाहिए था या फिर आपके हिसाब से इस समिट को अटेंड करके इंडिया ने ठीक किया। नाउ यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट होने से पहले रशिया के बहुत सारे फॉरेन एसेट्स बाहर के देशों में पड़े थे, गोल्ड पड़ा था, फॉरेन करेंसी पड़ी थी। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ना सिर्फ रशिया, इंडिया का भी बहुत सारा गोल्ड बाहर के देशों में पड़ा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है, मगर विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक कंट्री किसी और कंट्री में गोल्ड या फिर फॉरेन एसेट्स तभी रखता है जब विश्वास होता है कि कल को वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, हमारे एसेट्स चोरी नहीं किए जाएंगे। मगर रशिया के साथ क्या हुआ, रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया। जो पश्चिमी देश है सबसे पहले तो इन्होंने रशिया के जो भी एसेट्स हैं जिसकी टोटल वैल्यूएशन $500 बिलियन से भी ऊपर है ये धर लिए, सीज कर लिए। और इतना ही नहीं, अब देखिए G7 कंट्रीज ने इस समिट के दौरान यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ये कहा है कि रशिया का पैसा जो हमने सीज कर लिया है, जो हमारे पास अब आ चुका है, उसमें से $50 बिलियन का लोन तुम पकड़ो, कम ब्याज दर पे, बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पर ये लोन आपका हुआ। इसके जो वेपन्स परचेज करने हैं, एड परचेज करनी है, यूक्रेन को रीबिल्ड करना है, आपकी मर्जी। रशिया ये सब देखकर बहुत गुस्सा है।
पुतिन ने लिटरली कहा है कि जो G7 में हुआ है ये चोरी के बराबर है। आप अगर वैसे अगेन न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो तो पुतिन गलत नहीं कह रहे, ये एक टाइप की चोरी है कि किसी का पैसा आप पहले धर लो और उसके बाद वो पैसा आप किसी और को लोन दे दो। ये एक बहुत ज़रा कॉन्ट्रोवर्शियल मूव है और आने वाले टाइम में कई देश हैं मेरे हिसाब से वो USA, UK या फिर बाकी G7 कंट्रीज में अपना गोल्ड रखना, अपनी फॉरेन करेंसी रखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कब ये कंट्रीज जो इन्होंने रशिया के साथ किया है किसी और कंट्री के साथ कर दे पता नहीं है हमको। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब इंडिया भी धीरे धीरे जो गोल्ड है ये वापस इंडिया में ला रहा है। और अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस G7 समिट को अटेंड करने के लिए क्यों नहीं गए। नाउ अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अच्छा नेगेटिव बातें यहीं पर ख़त्म हो गई होगी, इससे ज़्यादा तो और कुछ ख़राब हो नहीं सकता, नहीं, इससे भी ज़रा ख़राब एक चीज़ हुई है। G7 कंट्रीज़ के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स, एक तो होस्ट कंट्री खुद इटली और दूसरा देश फ्रांस, इनके लीडर्स आपस में लड़ पड़े इस समिट के दौरान। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, मेलोनी गिव्स मैक्रों ए विदरिंग लुक आफ्टर द क्लैश ओवर अबॉर्शन। हुआ यहाँ पर क्या कि इमैनुअल मैक्रों की आपको जो पॉलिटिक्स है समझनी होगी, इमैनुअल मैक्रों ना राइट विंग है ना लेफ्ट विंग है, ये सेंट्रिस्ट नेता है। जॉर्जिया मेलोनी एक बहुत ज़्यादा राइट विंग नेता है। जॉर्जिया मेलोनी मानती है कि इटली को एक कम्प्लीटली क्रिश्चियन कंट्री बनना चाहिए और ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वहाँ पे एबॉर्शन बैन होता है या फिर एबॉर्शन बहुत ही मुश्किल से एक्सेसिबल होता है। तो इटली में आप देखोगे आज के समय एबॉर्शन को लेकर कानून बहुत ज़्यादा कड़े कर दिए गए हैं। इमैनुअल मैक्रों ने इस समिट के बीच में ये बोलना शुरू कर दिया कि देखिए इटली में जो एबॉर्शन के कानून हैं ये बहुत ज़रा गलत हैं। और जॉर्जिया मेलोनी ने जब ये सब सुना वो गुस्सा हो गई, उन्होंने ये कहा कि देखिए इमैनुअल मैक्रों राजनीति करने के लिए आए हैं, ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रहे हैं G7 समिट में, मुझे भाषण देकर ये फ्रांस में जो इनका वोटर बेस है उनको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो हमारी वैल्यूज़ है जो फ्रेंच वैल्यूज़ हैं उनको मैं इंटरनेशनली भी प्रमोट करता हूँ। तो ये हाल है इस वक्त G7 का, इटली और फ्रांस आपस में भिड़ गए। नाउ यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि अगर G7 में इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी तो PM मोदी G7 में क्यों गए हैं, क्या इससे इंडिया को कुछ बेनिफिट मिलता है। देखो हमें यहाँ पर फोकस करना होगा कि हमें क्या चाहिए एज ए कंट्री, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। आपने एक बात नोट करी होगी, नहीं नोट करी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही PM मोदी इटली पहुँचे बहुत सारे भारत सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये ट्वीट करनी स्टार्ट कर दी कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है ये अकेले सभी G7 कंट्री से कई कई गुना आगे है। इंडिया अभी रीसेंट जो फाइनेंशियल ईयर गया है इसमें 7.8% ग्रो किया है पूरे साल में, इसके कंपैरिजन में सभी G7 कंट्रीज की एवरेज GDP ग्रोथ रेट आप अगर लगाओ तो 1.7% है। नाउ ये बात देखिए, हम G7 कंट्रीज को चढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, ये सब कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हैं, यहाँ पे हाई इनकम है, मगर हम ये चाहते हैं कि इन कंट्रीज के जो निवेशक हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये बात समझें कि अपने देश से बाहर निकलिए, भारत में निवेश करिए, आपका पैसा बनेगा, इंडियन इकोनॉमी के साथ आप भी ग्रो करेंगे, कम इन्वेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। तो G7 समिट इंडिया के लिए इन सब कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को एक मंच मिलता है अपनी स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया के सामने और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखिए आपसे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से कॉमेंट सेक्शन में, सिंस लाखों लोग देखेंगे वीडियो, मैं चाहता हूँ आप सब लोग कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, आपके हिसाब से क्या G7 समिट को अटेंड करना इस बार ठीक था या फिर आप मानते हैं कि सऊदी अरेबिया ने जो किया वही हमको करना चाहिए था। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक MCQ क्वेश्चन, यहाँ पर यह है कि जो G7 समिट है इस बार ये इटली के किस शहर में होस्ट हुआ था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रोम, अपुलिया, वेनिस या फिर ऑल दी अबव। ये जो शहर है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और आपके सामने इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ के बैच 10 को ज्वाइन करने की अंडर ए डिस्काउंटेड प्राइस। बहुत कम देखने को मिलता है कि स्टडी IQ का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा हो और साथ ही साथ आपको मिले एक मेगा डिस्काउंट। तो स्टडी IQ की सेल हो चुकी है एक्टिव, सिंपली जाइए वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे स्टडी IQ के बैच 10 के, ये बैच
15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जब एक बैच स्टार्ट हो रहा होता है ये बेस्ट टाइम होता है उसको ज्वाइन करने का, क्योंकि चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप अगर सिंपली इस लिंक पर करोगे यहाँ पर क्लिक, तो आप परचेज कर पाओगे स्टडी आईक्यू का बैच 10 अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। ये 30% का डिस्काउंट सिर्फ 15 जून तक है। 15 जून के बाद ना इस बैच में कोई एनरोलमेंट होगी ना ये डिस्काउंट रहेगा। तो इस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली क्लिक करिए ऑफर्स अवेलेबल पर, कोड यहां पर डालिए PG10 और आपको मिलेगा द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल इन दिस सेल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। अजी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा दिस इज व्हाई G7 नीड्स इंडिया, और क्योंकि इंडिया की अपनी एक ताकत है, पहचान है, इसलिए वहां पे एज ए गेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 ममालिक में बुलाया गया है। और वहां पे ये बड़ी वायरल हुई चीजें जब वो जॉर्जिया मेलोनी नमस्ते करती हुई नजर आई। जॉर्जिया मेलोनी तो आप घर के ही बंदा लग रही हैं। दूसरी तरफ जो सबसे चीज ज्यादा वायरल हुई वो थी बाइडन और उनकी जो बीमारी है, जो कि वो एज के उस हिस्से में है जहां पे इंसान को सही कुछ समझ नहीं आता। वहां सब देख रहे थे वो पैराग्लाइडर्स को, तो वो कहीं और ही दिशा में देख रहा था। और वो मीटिंग के दरमियान में भी कहते हैं सो गया था। तो ये वो सारी चीजें हैं, क्योंकि अमेरिकन अब इसको आड़े हाथों ले रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं कि ये कैसा लीडर है जो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो खुद सो जाता है, और ये ऐसा लीडर अमेरिकन डिजर्व नहीं करते बिल्कुल भी। वो उम्र के बिल्कुल उस हिस्से में है जहां उसे कुछ नहीं, और कहते हैं कि उसमें कोई खास बीमारी भी ना है, जो कि अब उसको ये चीजें जो अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप है उसके लायक नहीं रखती। लेकिन ये तो अमेरिकन्स का कहना है। लेकिन इस बड़े मामले पर सबसे ज्यादा जो परेशानी की बात यह है कि रूस ने इसका बायकॉट किया, सऊदी अरेबिया वहां पे गया नहीं, उन्होंने अपने हज के चलते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम यहाँ पे मसरूफ हैं और दूसरी बातें कुछ और हैं। देखिए रशिया बहुत बड़ी, उनका पैसा जो सारा इन्होंने सीज कर दिया है और उसी में से ही यूक्रेन को वो दे रहे हैं पैसा, तो ये भी बहुत गलत चीज है। वो भी कर्जा, पैसा किसी का, कर्जा किसी को, नॉन इंटरेस्ट लेंगे वो खुद। तो यही वो चीजें हैं कि वो रशिया ने कहा है कि ये चोरी कर रहे हैं हमारा पैसा और ये नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही देखे कि वो जैसे कहते हैं ना कि बुड्ढा सठिया गया है, वो ही बात हो रही है कि भाई वो उम्र के उस काजे में चले गए हैं, उम्र के उस एज में वो चले गए हैं कि वो अब उन्हें कुछ सूझबूझ रहती नहीं है। चलते चलते जो है आंखें बंद कर लेते हैं, बैठे बैठे आंखें बंद कर लेते हैं, वो कुछ चीज को देखते देखते दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। यही चीजें पता नहीं कौन सी बीमारी उनको होगी है, वो इस हिस्से में आके अक्सर वहां पे जो है ये बीमारी आ जाती है। तो ये चीजें हैं कि वो ऐसा प्रेसिडेंट नहीं चाहेंगे कि जो ऐसे हरकतों सकनात करे कि जो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस हो। इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे और ये जो बाइडन के लिए जो है ये खतरे की घंटी है। ये इनको चाहिए कि अपना इलाज करवाएं और ऐसी हरकतों सकनात से पहले ही जो है वो इस्तीफा दे। बिल्कुल जी, आप देखिए G7 की ये मीटिंग हुई है और दूसरी तरफ देखिए कि उसको देखते हुए रशिया जो है ना वो भी एक्टिव हो चुका है और वो भी अपने ब्लॉक के साथ। देखिए यहाँ पे जो किरदार है वो इंडिया का है। इंडिया देखिए G7 में भी जो है ना वो शमूलियत इख्तियार कर रहा है एज ए गेस्ट, और दूसरी तरफ रशिया के ब्लॉक में भी जो है ना सऊदी अरेबिया, रशिया और इंडिया और चाइना के साथ मिलकर भी वो अपना भी जो है ना उस ब्लॉक के अंदर जो है ना सिस्टम बना रहे हैं। बिल्कुल जी करना चाहिए, होना चाहिए। इंडिया अपनी अहमियत जो है ना वो जाकर कर रहा है, करनी चाहिए। बिल्कुल इससे जो है ना पाकिस्तान को खास करके सीखना चाहिए कि देखिए कि जब आप अपनी अहमियत बनाते, अपने आप को काबिल बनाते हो, तो फिर आपको हर जगह पे जो है ना वो इज्जत दी जाती है, चाहे वो उस वो वाला पक्ष हो या वो वाला पक्ष हो, दोनों तरफ पे बराबर इज्जत। बिल्कुल जी इंडिया इस तरफ डिजर्व कर रहा है, इंडिया ने अपने आप को इस काबिल बनाया है, तो ये सारी चीजें देखने के काबिल है, तो बिल्कुल इन चीजों को देखना चाहिए। अब देखिए उसमें जो बाइडन सो रहा है वो किसी और तरफ जा रहा है, वो अमेरिकन की परेशानी है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे खित्ते का एक लीडर जो है वो जहाँ पे उनके साथ जो है ना वो गया है एज ए गेस्ट,
और वो वहाँ पे तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तो यही चीजें होनी चाहिए, हमारे खित्ते के तमाम वाले के जो सरबराहान हैं उनको अपनी इसी तरह से हैसियत बनानी चाहिए, ताकि हमारा जो एशिया है उसका भी जो है ना वो नाम आगे आ सके कि भाई ये एशियन है और इन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं जहाँ के, जैसे कि हर तरफ जो है ना यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, रशियंस हैं, तो जब वहाँ पे एशियंस को भी आगे आना चाहिए। बाकी जो हमारे ममालिक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इनको भी जो है ना इस तरफ ख्याल करना चाहिए कि इन चीज़ों से बाहर निकल कर इस खित्ते की तरक्की के लिए जो है ना आगे बढ़ना चाहिए और इंसानियत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी इंसानियत का फायदा हो वहाँ पे उनको जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम इस ब्लॉक का हिस्सा हैं तो उस ब्लॉक में नहीं जाएंगे, उस ब्लॉक का हिस्सा हैं तो इस ब्लॉक में नहीं आएंगे, तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपको हर जगह से अपनी आवाम के फायदे के लिए बात करनी चाहिए और फिर जब आप इस तरह से काम करते हैं तो फिर लोग आपको इज्जत भी देते हैं, जिस तरह से मोदी जी को मिल रही है। और बाकी जो है वो रशिया के साथ वाकई में ज्यादती है और उसी का पैसा उसी के खिलाफ असले के ऊपर फिर कर्जा भी और इंटरेस्ट अपना, तो यही चीजें हैं कि इन चीजों को देखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पे भी इंसानियत के खिलाफ काम हो रहा है उसको रोकना चाहिए, बजाय इसके किस वॉर को रुकवाने के लिए। अब देखिए, अगर यूक्रेनी मर रहे हैं तो वो भी इंसान है, और अगर रशिया का नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान, तो वो भी इंसानी नुकसान हो रहा है। तो इन चीज को रुकवाने की बजाय हमने उन्हीं का जो है ना पैसा वो सीज किया और उन्हीं का पैसा अब आगे दूसरे को देके और इसके ऊपर जो है ना हम अपनी सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल जी, रशिया यूक्रेन वॉर रुकनी चाहिए। ये वॉर सिर्फ उन दो देशों का ही नुकसान नहीं कर रही, बल्कि पूरी दुनिया में जो खास करके गरीब ममालिक है जैसे पाकिस्तान जैसे, तो इन लोगों का भी नुकसान हो रहा है। महंगाई बढ़ती है, चीजें बढ़ती हैं, चीजों के रेट बढ़ते हैं और इस वजह से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चीजें हैं वो महंगी हो जाती हैं, लोगों का नुकसान होता है और इस चीज से अब उस जंग को रोकना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इंडिया ने अपनी पहचान बनाई है अपने दम पर, उस तरह से अपनी नीतियां बनाएंगे तो किसी भी देश की पहचान बन सकती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका और जितने भी ऐसे ममालिक हैं जो अभी अपने हालातों से जूझ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि और इंडिया से सीखना चाहिए और फिर ही वो भी आगे बढ़ सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।